नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो जब से कंपनी ने आफ्टर बोनस के बाद देखा तो स्टॉक में अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही है। छोटी मोटी रिकवरी आती है दोस्तों, लेकिन हाँ, गिरावट की बात करें तो उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, अभी बोनस के बाद की बात करें तो लगभग ये स्टॉक अभी तक देखा तो 10% के आसपास डाउन हो गया है। हालांकि वहीं पर 6,000 पे इस कंपनी का, मतलब जो कि एक प्रकार से आप स्प्लिट बोनस कॉर्पोरेट टैक्स आप कह सकते हैं कि 6,000 रुपये हुआ था, और देखा जाए तो अभी स्टॉक जो है कि 2700 के आसपास चल रहा है, मतलब 10% डाउन है। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है गिरावट में बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो, और बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में ऑलरेडी फंसे भी है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 3.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक अगर प्रीवियस क्लोजिंग से देखेंगे तो ये कंपनी जो है कि मतलब गैप अप ही ओपन होती है, उसके बाद गैप अप जाती भी है दोस्तों। ऐसा भी नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को, फिर फ्लैट चलता, फिर स्टॉक में एक गिरावट ही देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर हम एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में स्टॉक ने लगभग देखा जाए तो मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि फ्लैट 2% की गिरावट देख रहे, लेकिन ये कंपनी 3,000 के आसपास जो है कि इसका बोनस अनाउंसमेंट, मतलब बोनस हुआ था दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, और एक तरफा आप गिरावट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो रिकवरी हमने आपसे बताई कि थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन जो गिरावट की बात करें तो उससे ज़्यादा ही देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, जो रिटेल स्टॉक फंसे हैं उससे रिलेटेड तो मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कि 300% के ऊपर कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे दोस्तों, इस कंपनी की कुछ अगर आप खासियत नोट करना चाहते हैं, मतलब जो रिटेल स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं, जो रिटेल स्टॉक सोच रहे हैं कि हम फंसे या कुछ ऑरिजिंग भी करने के बारे में सोच रहे ना, तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे ना तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी दोस्तों। और सेकेंड, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे जिस समय, मतलब कोविड के पहले की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जिस समय, मतलब जैसा चार्ट इस समय यहाँ बना दोस्तों, इसी टाइम पे भी देखा है तो ये चार्ट बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। मतलब देखिए दोस्तों, ऐसा क्या है कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी जो है कि 100% किसी भी बात की मतलब गारंटी नहीं होती, सबसे पहला पॉइंट ये। हालांकि आप चाहे तो इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, तो ऐसे में देखा है तो इस समय, मतलब जिस समय ये चार्ट बना था उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी, और देखा है तो अभी बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो चुका है मेरे पॉइंट से। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सेम चार्ट आप कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें, ये कंपनी देखा है तो ऑल टाइम हाई से लगभग 40% 45% के आसपास डाउन है, तो मतलब मेरे पॉइंट से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा, मतलब करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, तो हालांकि देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होता है कि मतलब अपने को किसी स्टॉक में अगर बाइंग करना रहता है तो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक रहे, उसमें जो है कि अपने को मतलब एक निवेश करके चलना रहता है, उसका बिजनेस जो है कि स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे में इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एकदम फिट भी बैठती है, और जो इन्वेस्टर सोच रहे दोस्तों हम फंसे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, इस कंपनी ने इतना फास्ट रिटर्न बना के दिया था, 10,000 के ऊपर भी ये कंपनी ने ट्रेड आउट तो होनी ही है। ऐसे में अगर हम कंपनी की बात करें, जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं। हालांकि वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें, 60% माल डिलीवरी में उठाया गया, यहाँ पर देखेंगे तो नो ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम बाइंग भी करें दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी आप चाहे तो इस चीज़ को नोट। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में फंसे दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करने के बारे में विचार करें। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं, कंपनी के अगर आप बिजनेस को देखेंगे ना तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल प्लेस है इन द कंट्री, मतलब देश की पहली कंपनी दोस्तों, और बहुत ही बड़ी कंपनी है। टुडे स्टैंड आउट, मतलब एक प्रकार से ये कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों B2B लैंडस्केप में। मतलब देखिए दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी मीडियम एंड स्मॉल कंपनियों को जो है कि ग्रो होने के चांस, मतलब जो कि बहुत फास्ट ग्रो कराने का काम करती है एक प्रकार से, इस चीज़ को मतलब इनोवेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंटियर्स ऑफ इनोवेशन टू मेक द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मोर एक्सेसिबल विजिबल एंड एंगेजिंग टू टीम। देखा जाए तो ये कंपनी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि मतलब कोई भी कंपनी नई आती है तो वो जो कि इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे दोस्तों, तो उनके मतलब जो कि ग्रो होने के चांस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वहीं पे देखा है तो ये कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। प्रमोटर की बात करें तो 49% का स्टेक प्रमोटर के पास स्टेक है दोस्तों, जो कि देखा है तो ROC ROE देखा है तो कंपनी का ठीक ठाक आप कह सकते हैं ओके है। हाँ, ये कंपनी प्योर डेट फ्री भी। आप सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये कंपनी डाउन है, तो हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ही आपको कोविड भी देखने को मिला था। TTM में देखेंगे तो अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जाए तो आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं किस कंपनी
कंपनी का जो कंपटीटर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है तो गूगल को भी आप ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहा है, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में सुधर भी सकते हैं। वहीं पर CGR की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है, कोई भी मतलब अभी तक एक साल वाले भी इस कंपनी से परेशान नहीं। हालांकि हाँ, जिन्होंने टॉप पे बाइंग किया होगा दोस्तों 10,000-8,000 वाले, वो शायद इस कंपनी से परेशान हैं। वहीं पर रिटर्न इक्विटी की बात करें तो कंपनी का मतलब डबल डिजिट में आप कह सकते हैं 20 तो नहीं है। कंपनी बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों 2,000 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन कि यहाँ पे कंपनी के पास 77 करोड़ का ही रिजर्व्स था, उसके बाद देखा है तो माफ करना डेट था, उसके बाद 63 पे ले आया, फिर 56 और अभी 46। मतलब आने वाले समय में क्या इस कंपनी को प्योर डेट फ्री भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन दोस्तों प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने अभी तक स्टेक को सेल नहीं किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि मतलब प्रमोटर का भी स्टेक जो है कि अभी अपडेट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि देखेंगे दोस्तों FIs ने भी सेल नहीं किया। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन दोस्तों DIs की बात करें तो DIs ने एक्युमुलेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट हो रही है, रिटेस्टर क्या है कि हम लॉस में है इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक ने दोस्तों सेल कर दिया और यहाँ पे जो है कि मतलब DIs ने बाइंग। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर सोच रहा है कि हम फंस गए, कोई इस स्टॉक में फंसा नहीं दोस्तों। हाँ, आपने बस किया क्या है दोस्तों कि भागते हुए शेयर को पिक किया, जो कि अभी देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी मतलब यहाँ से यहाँ तक इस स्टॉक में 2,000 के नीचे आने के बाद, मतलब ये तो एडजस्टेड प्राइस कहेंगे, हालांकि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद क्या ये कंपनी और भी गिरावट दर्ज किया? नहीं दोस्तों, ऐसा इसका चार्ट नहीं है। इस कंपनी का अभी जो चार्ट चल रहा है दोस्तों ऐसे आने के बाद फिर ऐसे चल रहा है, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास भी है दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉस में तो ना सेल करें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आप ले सकते हैं। हालांकि जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से इस कंपनी को दोस्तों अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो हो सकता है ये कंपनी 2,500 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी 3,3200 को अगर क्रॉस करती है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द ये कंपनी 4,000 के लेवल को भी टच कर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।